अस्सलामु अलैकुम सैयद वॉइस के प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद। ये कहानी भी आप सबके लिए एक बेहतरीन पैगाम लेकर आई है, इसलिए सच्ची कहानी को आप सुनिए और शेयर भी कीजिए और बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर किया करें हमारी तमाम वीडियोस को और सब्सक्राइब कर दें सैयद वॉइस को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। मेरे बाबा की शादी उनके ननिहाल में हुई। ख़ानदान से बाहर शादी इंतहाई मजबूरी के आलम में की जाती थी। हमारे ख़ानदान में यानी दादा जान की तरफ से तालीम हासिल करने का बेहद शौक था सबको, लेकिन लड़कियों की शादियां वही मिडिल में कर दी जाती थीं। ये नवाजिशें तो सिर्फ लड़कों के लिए थी। खैर, मेरे बाबा की शादी हुई। बीजान भी तालीम याफ्ता नहीं थी, सिर्फ कुरान पाक पढ़ना जानती थी। एक तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता शादीशुदा जोड़े की जो जहनी कैफियत होती है वो मेरे वालदैन में भी थी, लेकिन मेरी बीजान यानी मेरी वालदा ने बहुत समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने औलाद से मुतालिक फैसलों का सारा इख्तियार बखुशी बाबा जान के हवाले कर दिया। यूँ हमारा घर इस कशमकश से बिल्कुल महफूज रहा जिसमें चाचा का घर था। वहाँ चाची जरमीना अपनी मर्जी और रिवायती पख्तून तरीके से औलाद को ढालना चाहती थीं। खैर, वक्त गुजरता गया। हम चार बहन भाई थे और हम अपने तमाम कज़न से बहुत मुनफरिद थे। बाबा जान ने कभी लड़के और लड़की की तालीम में तमीज़ नहीं की थी। मैं सबसे बड़ी थी, फिर आसिम, आयजा और नमान। हम सभी बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे। हम सिर्फ अपने घर छुट्टियां गुजारने जाते थे, क्योंकि जिस तरह की ऐश पसंदी की ज़िंदगी हम गुजार रहे थे हमारे लिए घर में ठहरना बहुत मुश्किल था। नानी अम्मा मुमानियों और खालाओं की मुकाबला करती तनकीदी नज़रों से हम जल्द ही उब जाते थे। खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, हर मामले में हम उनकी नज़रों का फोकस होते। बाबा ने जहाँ हमारी तालीम में कोई कमी न रखी थी, वहीं बीबी जान ने हम दोनों बहनों को घरेलू काम काज में भी पीछे न किया था। मैं पहलौठे की औलाद होने के नाते वालदैन की बहुत लाडली थी, मेरी हर बात मानी जाती थी। मैट्रिक तक मैंने गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स एकेडमी में तालीम हासिल की। उसके बाद चंद एक एतराजात के बावजूद बाबा जान ने मुझे गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैं खान हाउस की वो पहली लड़की थी जिसने ये एजाज हासिल किया। मैट्रिक करते ही ख़ानदान से कई रिश्ते आए, मगर बाबा जान ने कहकर टाल दिया कि फ़िलहाल नाजी पढ़ेगी, बाद की बात में देखी जाएगी, अभी वो सिर्फ दिल से तालीम हासिल करेगी। वालदैन के लाड प्यार, अपनी खूबसूरती और अहमियत ने मेरी ज़ात को एक मकनतीसी एतमाद बख्शा था। यानी जिस तरह मकनतीस या मैगनेट में कशिश होती है, सामने वाले को खींचता है, उसी तरह मेरे अंदर भी बला की कशिश थी। हर मैदान में मैं सबसे आगे होती थी। इतनी कामयाबियों ने मुझे इस दुनिया के मोहलिक तरीन नशे की लत में मुब्तला कर दिया, जाती तारीफ का नशा यानी खुद को पसंद करने का नशा। कॉलेज लाइफ क्या स्टार्ट हुई, कामयाबियों और शोहरत का एक नया दरवाज़ा खुल गया। यहाँ भी सब मेरे गर्विदा होते चले गए, लेकिन चूंकि सरकारी कॉलेज में थी तो मुझे मैथ, स्टेट्स और इकोनॉमिक्स जैसे मजामीन के लिए कोचिंग क्लासेस की लाजमी ज़रूरत थी। बाबा जान ने इंतहाई एतमाद का मुजाहरा करते हुए मुझे एक इवनिंग एकेडमी में दाखिल करवा दिया जहाँ को एजुकेशन थी, यानी लड़के भी साथ पढ़ते थे। मैं जो अपनी ज़ात पर इतराती फिरती थी, शुरू शुरू में मेरी दाल वहाँ बिल्कुल न गल सकी। मेरे शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड की चमक भी यहाँ बहुत मान पड़ गई, क्योंकि वहाँ मुझसे ज़्यादा जहीन स्टूडेंट मौजूद थे। अपनी ज़ात का यूँ पीछे चले जाना मुझे गवारा नहीं था। नामालूम तरीके से मेरे अंदर हसद के जज्बात पैदा होने लगे। मैं किसी को खुद से आगे नहीं देख सकती थी। दिन रात मेहनत की और अपनी एक नुमाया पोजीशन कायम कर ली। गैर महसूस तरीके से मेरा ड्रेसिंग स्टाइल भी तब्दील होता गया, लेकिन ये शौक सिर्फ घर पर ही पूरा होता था। कॉलेज में यूनिफॉर्म और एकेडमी में हिजाब आड़े आता था। 2 साल लग गए मुझे अपना आप मनवाने में। ग्रेजुएशन के लिए भी बाबा जान ने उसी गर्ल्स कॉलेज और एकेडमी में रहने पर जोर दिया। ग्रेजुएशन लेवल पर मुकाबला पहले से ज़्यादा बढ़ गया था और मेरे हासिदाना जज्बात भी। मुझे टॉप पर रहना था किसी भी हाल में, ये मेरी जिद बन चुकी थी। अब क्लास का माहौल पहले से ज़्यादा लिबरल था। टीचर्स और स्टूडेंट्स में हंसी मजाक भी चलता था। लड़कों और लड़कियों की बाहिमी गुफ्तगू पर कोई पाबंदी न थी। इंटर की तरह यहाँ भी मेरे हिजाब को लेकर काफ़ी हूटिंग होती थी। पढ़ाई में अपनी काबिलियत इंटर के मार्क्स की बदौलत
सब पर मैं साबित कर ही चुकी थी। अब और भी बहुत कुछ दरकार था। उस वक्त मैंने अपनी रिवायात से बिल्कुल बगावत की। घर से तो हिजाब में आती थी मगर एकेडमी आकर उतार देती। उसके बाद मुझ में और बाकी स्टूडेंट्स में कोई फर्क न रहता। मेरा लिबास उनसे बढ़कर कीमती और स्टाइलिश होता था। मेरी मकबूलियत के ग्राफ एकदम बढ़ गया। लड़कियों की आंखों में रश्क हसद और लड़कों की आंखों में तारीफ के जज्बात मुझे बहुत पुरजोश करते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे टीचर्स जो किसी से बात नहीं करते थे वो मुझसे काफी नरमी का बर्ताव करते। यूं समझ लो हर तरफ मैं ही मैं छाई हुई थी। क्लास के लड़कों से भी मैंने एक बावकार तरीके और रखरखाव से रस्मी बातचीत कर रखी थी। लेकिन एक बात का हौसला अभी तक मुझ में पैदा ना हो सका था। दिगर क्लास फेलोज की तरह मैं कभी कॉलेज मंक नहीं कर सकी थी। शायद उसकी वजह ऐसा थी, मेरी बहन जो उसी कॉलेज में इंटर आर्ट्स की तालबा थी उसकी एकेडमी मुझसे मुख्तलिफ थी। इसके जरिए ये खबर घर तक पहुंच सकती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर बाबा जान और बी जान पर वो मेरी तमाम हरकत खोल देती। फिर मेरा जो हशर होता उसका तस्वुर ही मुहाल था। इसी आँख मचोली में ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया। रिजल्ट के इंतजार में घर पर ही वक्त गुजरना था। उसी दौरान आयजा इंटर और नोमान मैट्रिक के इम्तहान के बाद फारिग थे। आसिम को पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। वो मैट्रिक के बाद दोस्त के साथ मिलकर नेट कैफे चला रहा था और बाबा जान सरकारी मुलाजमत करते थे। काफी अरसे के बाद सबको तालीमी फरागत एक साथ मिली। कॉलेज लाइफ ने मुझे जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल बना दिया था, लिहाजा वहां के रिवायती माहौल में एक महीने रहना भी दुभर हो रहा था। और फिर नानी जान ने मेरी अम्मा को ये कहना शुरू कर दिया, इसकी शादी कब करोगी? एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है खानदान में, मगर तुम लोगों की अकल तो लगता है खराब हो गई है। हमारी बरादरी में 16 से 17 साल तक लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस लिहाज से मैं काफी उम्र गुजार चुकी थी मगर खानदान में मौजूद रिश्तों का सोचकर मुझे बेहोशी तारी होती। एक माह जैसे तैसे गुजरा। लाहौर आकर बीजान ने मेरी शादी के लिए बाबा जान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बाबा जान इस मामले में मुत्तफिक तो थे, यानी चाहते थे मेरी शादी हो, लेकिन खानदान के लड़कों को भी जानते थे। मगर कभी कम तालीम और कभी पैसों की कमी, मेरा रिजल्ट बहुत शानदार आया। बाबा जान ने सारी रवायतों को तोड़कर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत दे दी। वो अपनी औलाद को तालीम के जेवर से भरपूर आरास्ता करना चाहते थे। यूनिवर्सिटी के माहौल ने मुझे तो ऐसा आजाद किया, मैं खुद भी हैरान थी। मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिश अब किसी मुजोर घोड़े की तरह बेलगाम और मेरे काबू से बाहर होती जा रही थी। खुद की तारीफ करने की आदत मेरी कमजोरी बन चुकी थी और आजादी मेरी मंजिल। यूनिवर्सिटी के कई लड़कों से दोस्ती भी हुई मगर कोई भी मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। शहर का वो कौन सा रेस्टोरेंट होगा जो मैंने अपनी क्लास फेलोज के साथ न देखा होगा? मोबाइल फोन की कमी शिद्दत से महसूस होती थी और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद मैंने मोबाइल भी ले लिया। मेरी हर वो कामयाबी जो अपनी रिवायात से हटकर होती थी उसका सबब सिर्फ ये होता कि मैं इंतहाई ठंडे दिमाग और मीठी जबान से अपनी बात मनवा लिया करती थी। जबान की चाशनी यानी मिठास कुदरत का बहुत बड़ा अतिया थी। 2 साल खूब मजे किए मैंने, सब कुछ करती रही लेकिन होशियारी के साथ। अब यहाँ पर बीजान मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। खानदान में तो मेरी हिकमत अमली के बाइस अब मेरा रिश्ता होना नामुमकिन था। खानदान से बाहर भी मेरी मंजिल कोई ऐसा शख्स था जो मुझे मेरे तरीके से जीने दे। और ऐसा ही एक शख्स मुझे उमेर की सूरत में नजर आया। उमेर की फैमिली ने हमारे मोहल्ले में नई रिहाइश इख्तियार की थी। ये खासी मॉडर्न फैमिली थी जिनकी खवातीन आराम से बाहर घुमा फेरा करती थी। उनके सोने जागने की कोई भी रूटीन नहीं थी। स्कूल से वापसी पर उमेर अक्सर अपने घर से बाहर या बाइक पर आते जाते नजर आया करते। उमेर ने मुझे सिर्फ हिजाब में देखा था लेकिन मुझे उनकी दिलचस्पी महसूस हो गई थी। चंद दिन के बाद मैं छत पर किसी काम से गई तो उमेर भी अपनी छत पर मौजूद थे। उनका घर सामने वाली लाइन में 2 घर छोड़कर था। चंद दिन बाद मैं छत पर किसी काम से गई तो उमेर भी अपनी छत पर मौजूद थे। उनका घर सामने वाली लाइन में 2 घर छोड़कर था। चंद मिनट बाद उन्होंने एक पत्थर पर लपेटकर अपना नंबर मुझे दिया। मैंने नंबर उठा तो लिया लेकिन कॉल नहीं की। 1 हफ्ते मैंने खूब सोच विचार के बाद अपने तौर पर उमेर को फाइनल किया। जब मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने उस 1 हफ्ते में अपनी बेताबियों का खूब इजहार किया लेकिन यहाँ मेरे अंदाजे में काफी गलती साबित हो गई। मुझ में
दिलचस्पी तो रखते थे लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक, क्योंकि वो गैर बरादरी से थे। इस बात का तो पहले से इल्म था लेकिन उनकी मंगनी शुदा होने वाली बात का इल्म मुझे बिल्कुल नहीं था। अब तो मेरी अना यानी ईगो को जबरदस्त ठेस पहुंची। मैंने हमेशा हर चीज को हासिल किया तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जिस शख्स की तरफ मैं खुद बढ़ी उसको किसी और का हो जाने देती। ये वक्त इंतहाई तहमुल मिजाजी से काम लेने का था, सो मैंने यही किया। धीरे धीरे मैं तीर निकालती गई और उमेर के दिलो दिमाग पर काबू करती गई। वो अपने घर में सबसे छोटे थे, दो भाई शादीशुदा थे और बहन की शादी भी अनकरीब होने वाली थी। दो माह बाद उमेर ने मुझसे मिलने की फरमाइश की जो मैंने बगैर किसी पसोपेश के मान ली। हम एक रेस्टोरेंट में मिले। वो मुकम्मल तौर पर मेरे शहर यानी मेरे जादू में जकड़े जा चुके थे। उन्होंने बिलाखिर एतराफ़ मोहब्बत कर लिया। इस मुलाकात के इख्तिताम पर उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, उमेर आप शायद अपनी मंगनी भूल रहे हैं। उन्होंने बड़े यकीन से कहा, हमारे घर में कोई किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। मरियम से मंगनी भी अपनी पसंद की थी मगर तुमसे मिलकर मोहब्बत और पसंदीदगी में फर्क जाना है मैंने। काश तुम मुझे पहले मिल गई होती। तुम्हारा ख्याल रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, हर घड़ी तुम्हारा ही चेहरा मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। अपनी तारीफ सुनना तो वैसे ही मेरी कमजोरी थी। इस खुमार और नशे में यह भी भूल गई कि मरियम से उनकी मंगनी पसंदीदगी और किसी अफेयर का नतीजा थी और अब मंगनी टूटने के बाद उस लड़की पर क्या बीतेगी। असल मसला तो हमारी तरफ से होना था। उमेर का गैर बरादरी से ताल्लुक मेरी फैमिली के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उमेर ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक हफ्ते के बाद उनकी वालदा रिश्ता लेकर आ गई। हस्ब तवक्को बीजान ने मौके पर ही बड़ी सहूलत से इनकार कर दिया। उनका भाई के साथ मुश्तरका कारोबार था। वालिद का इंतकाल हो चुका था। बाबा जान और भाइयों को जब उमेर के रिश्ते की बाबत मालूम हुआ तो उन्होंने काफी सख्त रद्द अमल जाहिर किया। मेरा भाई आसिम बहुत ही गर्म मिजाज और जोशीला था। उसी ने सबसे ज्यादा इश्यू बनाया कि जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं इन लोगों को यहाँ आए हुए और रिश्ता ले आए। बाबा जान के समझाने पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि मुझे ये लोग काफी मशकूक लग रहे हैं। सारा दिन तो ये तमाम भाई घर में पड़े रहते हैं। बराए नाम एक दुकान खोल कर रखी है लेकिन इनके ठाट भाट उस दुकान से कभी पूरे नहीं हो सकते। ये सुनकर मुझे भी शक हुआ। मैंने चंद दिन बाद उमेर से मुलाकात की और आसिम के सवालात उनके सामने रखे। उन्होंने बड़े इत्मीनान से मेरे तमाम शकों को शुबहात को मिटा दिया और मुझे काबू में करते हुए कहा कि उन लोगों को ननियाल की तरफ से काफी जायदाद मिली है लिहाजा तंगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मैंने कहा कि अलग काम शुरू कर दो तो बेहतर है ताकि मेरे घर वाले मान जाए। तो उमेर ने बाहर मुल्क सेटल होने की कोशिशें शुरू कर दी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं बहुत खुश थी पर मैं नहीं जानती थी कि उमेर के अंदर बहुत सी खामियां भी हैं। मैं तो बस अपनी जात को सबसे ज्यादा अहमियत देती थी और मेरी अहमियत का मरकज उमेर था। हमारे अफेयर को 1 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका था लेकिन अब मैं महसूस कर रही थी कि उमेर मुझसे उकता रहा है। मैं 24 साल की हो गई थी। खानदान वाले अब खुल के बातें बनाने लगे थे। मेरी बहन के भी कई रिश्ते आ रहे थे लेकिन मेरी वजह से रुकावट बन रही थी और चूंकि मैंने उमेर को पसंद किया था तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। खुदगर्जी और बेहिसी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इंसानों की हैसियत मेरे लिए टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं थी। उमेर ने अब पब्लिक प्लेस से हटकर मिलने की फरमाइशें शुरू कर दी। ये मेरे लिए काफी मुश्किल बात थी। उमेर मुझसे कहता, जानती हो जोया ये नफ्स बहुत सरकश चीज है। एक बार मनमानी करने दो ये इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिरा देता है। मैं भी उसी इंतहा पर पहुंच चुकी थी। अपनी इज्जत नफ्स खुददारी शर्म हया का मुझे जरा भी पास न रहा। मुझे बस अपने जज्बात की तस्कीन दरकार थी। नफ्स की मनमानियां काबू करना मुझ जैसी कमजर्फ के बस की बात न थी। छुट्टियां थी। उमेर से मुलाकातों का सिलसिला रुक चुका था। वो काफी दिनों से मिलने के लिए जोर दे रहा था। बीजान की मिन्नत समाजत करके मैंने एक फ्रेंड की तरफ जाने का इरादा जाहिर किया मगर आसिम बेवक्त घर आ गया। उसने कहा, चाय बना दो फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। मुझे लग रहा था कि इसके होते हुए मैं उमेर से नहीं मिल सकती। मैं इस कदर कमजर्फ हो चुकी थी कि मैंने चाय में 2 नींद की गोलियां मिला दी। आसिम के सर में पहले ही दर्द था। वो सोने चला गया और मैं उमेर से मिलने चल दी। वो दिन
मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान लाया। हम दोनों के जज्बात का लावा अब हर हद पार कर चुका था। उस वक्त पशेमानी का एहसास तो बहुत हुआ कि मैंने क्या कर दिया उसके साथ, लेकिन कर चुकी थी जो करना था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, पर मैं फिर भी शर्मिंदा नहीं होने दे रही थी खुद को। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। सिर्फ एक रात का जिना नहीं था, हर दिन जब जब उमर से मिलती जिनाकारी होती। उमर से शादी अब मेरी मजबूरी बन चुकी थी। कोर्ट मैरिज करके ख़ानदान से बगावत का मुझमें हौसला न था। अब मैं जिस हद तक उमर के साथ आगे बढ़ चुकी थी, मेरे लिए शादी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अब माँ बनने वाली थी। न जाने मुझे क्या हुआ था, अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली एक मर्द के आगे बिक गई। फिर जब मेरा भाई नहीं माना तो मजबूरन मैंने कहा, उमर हम भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई साहब तो कभी मानेंगे नहीं, और अब ये बच्चा जो मेरे अंदर पल रहा है, इसको इसके बाप का नाम देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ख़ानदान भर में मेरी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मुझे सामना करना पड़ेगा। मेरे बाबा जान तो इस सदमे से मर जाएंगे। उमर कुछ करो, कुछ भी करो इससे पहले के आसार जाहिर हों। उमर ने कहा कि ठीक है, मैं बार बार तुम्हारे पास रिश्ता भेजता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई साहब मना कर देते हैं। अब इसका हल यही है कि हम भागकर शादी कर लें, पर क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। फिर एक रात सबसे छुपकर अपने बाबा जान के भरोसे को ठेस पहुँचाकर मैं घर से भाग गई। घर से भाग तो गई, लेकिन कहाँ जाती। कई हफ्तों तक हम यूं ही फरार रहे, भागते फिर रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब ये राज खुला कि मैं घर से भाग गई हूँ और उसी लड़के के साथ कि जिसका रिश्ता बार बार आ रहा था, फिर तो मत पूछो क्या खबर मुझे सुनने को मिली। मेरे बाबा जान जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिन्होंने तमाम ख़ानदान वालों से लड़कर मुझे तालीम याफ्ता किया, हर फरमाइश पूरी की मेरी, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए। ये खबर सुनकर मैं तो काफ़ी दिन तक होश में ना रही थी। कितनी भी खुदगर्ज सही, कितनी भी अय्याश पसंद सही, लेकिन मेरे बाबा जान से मुझे बहुत मोहब्बत थी। अब क्या हो सकता था, बाबा जान ही थे जो मेरे लिए सबके सामने खड़े होते थे। अब वही ना रहे तो मेरा कौन सा मेका। मेरी माँ तो मुझे देखते ही गला दबा देती। मेरे भाई भी मेरे खून के प्यासे थे। वो शहर मुझे छोड़कर उमर के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा, पर यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि उमर कोई बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि अय्याश आदमी था। वो जो जायदाद उसे मिली हुई थी, ये बात तो सच थी कि जायदाद मिली थी, लेकिन वो नशे का आदी था। उस जायदाद को नशे में उड़ा रहा था, और एक नशा करने वाला आखिर कब तक नशे वाली चीज से दूर रहता। उसने मेरे सामने भी नशा करना शुरू कर दिया और मैं खामोशी से उसे देखती। अब वो बच्चा जिसकी वजह से मैंने भागकर शादी की थी, इस दुनिया में आ चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि उमर ने मुझसे कहा था तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, वरना जानती हो कि दूसरे तरीके से मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मतलब ये था कि जिसम फरोशी के लिए तुम्हें ले जाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी तालीम को इस्तेमाल करना चाहती हो तो जाओ किसी अच्छी जगह जाकर जॉब करो, अगर जॉब नहीं करोगी तो बस फिर सोच लेना किसी कोठे की जीनत बनी होगी। खूबसूरत तो पहले ही हो, तुम्हारी खूबसूरती को मैं कैश करवाऊंगा। अपने शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर आप सोचिए खून के आंसू रो रही थी मैं, खून के आंसू, जिसकी खातिर मैं घर को छोड़ गई अपने, मेरा बाप जिस सदमे से मर गया, मेरा ख़ानदान मुझसे छूटा, लोग मुझ पर थू थू कर रहे होंगे। उस शख्स ने मुझसे कहा कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, नौकरी नहीं करूंगी और पैसा नहीं कमाऊंगी तो फिर वो मुझे कोठे पर बिठा देगा मजबूरन। अब मैं बीएड कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ये कहानी वो मुझे सुना रही थी कि काफ़ी दिनों से मैं इसी तलाश में थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, वो क्यों इतने फटे पुराने हाल में है, और वही हिजाब जिसको मैं एक बहुत बड़ा नुक्स समझती थी, खूब स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, आज अपने आप को छुपाने के लिए मैंने खुद को हिजाब में ही कर लिया है। और तुम्हारा बेटा क्या वो ठीक है? हाँ, मेरा वो बेटा जिसकी खातिर मैंने उमर जैसे जंगली आदमी से शादी की, वो बेटा इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन कैसे? दरअसल जब मैं नौकरी कर रही थी तो उसी जॉब के दौरान मुझे ये बात पता चली कि मेरा बेटा एक बहुत मुज़िर बीमारी में मुब्तला है। वो ऐसी बीमारी
कि जिसका इलाज नहीं। उमेर के साथ वो घर पर होता था और एक दिन तड़प तड़प कर मर गया। उमेर उसे डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं गया। मेरा लखते जिगर, मेरा जिगर गोशा, जिसकी वजह से मैंने उमेर जैसे जाहिल से भी निभा करके रखी थी, वो बेटा ही छिन गया। लेकिन अब मेरी मजबूरी है उमेर के साथ रहना। इस मौसरे में अकेली औरत कैसे रह सकती है? खानदान है नहीं कि वहां लौट कर जाऊं। मेरे बाबा जान की रूह अब भी बेचैन होगी, उनकी बेटी जिसकी खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एतमाद को ठेस पहुंचाई उसने और आज मैं सजा भुगत रही हूं। अपने आप को पसंद करती थी ना, आज अपने आप से नफरत है मुझे, शदीद नफरत।